औरत दी हिफाजत अजियतों ते दूसरियां वास्ते फितनियां तो अमान ते माशरे दी हिफाजत बुराइयां ते शहवात तो परदा इनू मुसलमान औरत ते फर्ज किया गया है और इनू इनकी पाबंदी का हुक्म दिता गया है हर अजनबी मर्द के सामने अगरचे वह रिश्तेदारां च होवे पर गैर महरम। औरत दा परदा होंदा सारे जिस्म नू ढांपना और आने वाली शर्तों के मुताबिक होना चाहिए। उनकी बुनाई जिहड़ी है मोटी होवे जिंदे चों जिस्म नज़र ना आवे, खुला होवे जिस्म दे हजम नू ज़ाहर ना करे, जिंदे अंदर जीनत ना होवे, खुशबू या इनकी धूनी ना दी गई होवे, मर्दां दे मुशाबत ना होवे, उन्दे च काफर औरतां दी मुशाबत भी ना होवे, ते शोहरत दा लिबास ना होवे यानी दूसरी साथी औरतां तो अलग मुनफरिद ना होवे। और जिंदे च ये चीज़ां ना होन ओ बेपरदगी च शामिल है जिंदे तो अल्लाह ताला ने मना किया है। मुसलमान औरत पाबंदी करती है जिहड़ा अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिता है तो उनके रसूल ने हुक्म दिता है ताकि उनकी खुशनुदी और उनकी जन्नत लेकर लेकर कामयाब हो जाए और इस वईद तो नजात पा लवे। जिहड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस बयान की है दो ऐसे गुरोह ने अग आलियां दे मैं जिन्हां दे बारे जानना इन्हां वर्गे मैं नहीं वेखे, एक कौम ऐसी जिन्हां कोल कोड़े ने गाय की दुम की तरह जिन्हें ना लोगों नू मारते हैं तो दूसरी औरतां लिबास पहनिया हुई लेकिन वह बरना ने नंगिया ने मायल करन वालियां तो खुद मायल होने वाली उन्होंने सिर दी चोटियां ऊंट दी कोहान दी तरह और जन्नत तो नहीं जानगियां ना उनकी खुशबू सूंघनगियां और जन्नत दी खुशबू तो इन्नी दूरों आ